आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूं एक बार फिर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होता हूं, तो जो आज विषय है वो बेहद खास हस्ती हमारे साथ मौजूद है। सदर विधानसभा लखीमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर, का बहुत बुरे पुराने कांग्रेसी भी हैं, डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी जी। इनसे कुछ चीजों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वर्तमान में कल जो ज्वलंत मुद्दे हैं, दो मुद्दे उन पर हम बात करेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करने चाह रहे हैं पहले, लेकिन हम दो मुद्दे आज की डेट में खास हैं, टोल हो रहे हैं, जिसमें एक जो हिजाब का मामला है कर्नाटक से सामने आया है कि जो छात्रा है वो हिजाब पहन के कॉलेज में जा रही है, कुछ भगवादारी उसके पीछे है। इस मामले पे आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? देखिए, पहली तो चीज ये है कि भगवादारी उसके पीछे क्यों है। एक छात्रा अगर हिजाब पहन के जा रही है, अपने स्कूल जा रही है, नारे लगाती तो नहीं जा रही थी, वो स्कूल जा रही थी, और हमारा संविधान उसको वो अधिकार देता है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। इसमें भगवादारियों को क्या प्रॉब्लम है? आखिर उनको भगवादारी क्यों कहा जा रहा है? उनको किसने कहा कि भगवा पहन के आना चाहिए? जो चाहिए वो पहनिए। इस तरीके से आप अगर हरकतें करेंगे तो हमारे संविधानिक स्ट्रक्चर को आप डैमेज करेंगे, भारत की जो मूल आत्मा पे चोट पहुंचाएंगे, तो ये ना करें। और ये चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति से कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी खत्म हो चुकी है और पस्त हो चुकी है। दूसरा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, आज प्रियंका गांधी जी का एक बयान आया जो काफी सुर्खियों में चल रहा है, उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी तो पहले से कहती आई है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो लड़ रही है, और वो बयान उसी की एक कड़ी है। इसमें कोई नया नहीं है, हर महिला को अपने अधिकारों के लिए क्या वो पहने, क्या वो खाए, क्या वो करे, उसका हक होना चाहिए। घर में बंद कर रखने के लिए महिलाएं नहीं बनी हैं, वो एक केवल शोपीस नहीं है, वो उनको वो भी जीना जागती चीज़ें हैं, उनका अपना हक है, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं ये बात सही है कि महिलाओं का हक है, उस पर बात होनी चाहिए। अब सर, अगर हक की बात करें तो इन दोनों जब हम बात करते हैं स्कूल कॉलेजेस, तो क्या आपको सही लगता है कि हिजाब या कोई धार्मिक वेशभूषा का इस्तेमाल करके कॉलेज या स्कूलों में जाना चाहिए? ये व्यक्तिगत आपकी इस पर क्या है? देखिए, आप लोग हिंदुस्तान की आत्मा पे चोट पहुंचा रहे हो इस तरीके की बातें करके। कल को आप कहोगे कि अब सिख को अपना बाल कटवा देने चाहिए, कल को आप कहोगे कि पंडित जी टीका ना लगाएं, स्कूल ना जाएं, हम एग्ज़ाम जाते थे तो माता जी के दर्शन करके माता टीका लगाती थी तो हम एग्ज़ाम जाते थे, तो हम ये सोचते थे कि हमारे कलावा बंदा है, टीका है, दही शक्कर खा के जा रहे हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद है। हर आदमी कोई भी नई चीज़ करता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो अपने ईश्वर से तो प्रार्थना लेकर चलता ही है। अगर वो हिजाब पहन के जा रही है तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस से काफी समय परिवार से जुड़े हुए हैं बाबा जी, अगर बात करें उनके विचारों को कितना चुनाव में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बाबा जी के विचारों को ही नहीं, बाबा जी के किए हुए कामों को तो आप देखिए। आप अगर नकार साइड जाइए, जो पुल बाबा जी ने बनाए हैं वो आज भी आने जाने के साधन हैं, नए पुल तो ढह चुके हैं। बाबा जी ने जो ओएल में कैनाल बनाई, जो चीज़ें उन्होंने बना दी वो आज भी नई चीज़ों को आईना दिखा रही हैं कि देखो मैं वही खड़ी हूँ, इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और नई चीज़ें ढह चुकी हैं। ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी का तेज नया त्रिवेदी जी से याद है, उनके नाम से कुछ नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी ऐसा बना हुआ नहीं दिखता है, जो उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है शहर में काफ़ी, उसका उनके नाम क्या बोलना चाहिए? उनके नाम से कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ। जी जी जी, देखिए, उन्होंने काम किया ये तो सोचा ही नहीं कि नाम से क्या मिलेगा, बस यही है कि लोग आज भी उनको याद करते हैं, यही बहुत है। लोगों के नाम तो पत्थर पे लगे रहते हैं कई जगहों पे, लेकिन उनको कोई याद नहीं है। बाकी हमारी ऑडियंस से आपका कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील आप करना चाहते हैं? लखीमपुर 142 सदर पे 23 तारीख को 5वें नंबर पे हाथ के पंजे पे बटन दबाकर अपना बहुमूल मत दें और मुझे भी नहीं।